नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए आखिरी टेस्ट मैच के बारे में। मैच को पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को काम करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को YouTube सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, जिससे लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो पे आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये टेस्ट मैच भी बाकी दोनों ही टेस्ट मैचों की तरह एक इंग्लैंड का पक्ष दिखता है इसमें। बल्लेबाजी में इंग्लैंड टीम की तरफ से चाहे ओलपॉप हो, चाहे ब्रैडशॉ हो, चाहे रूट है, और यहाँ तक कि इस मैच में ओवरटन की बल्लेबाजी, स्टुअर्ट ब्रॉड की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में स्टार्टिंग में एंडरसन, उसके बाद ब्रॉड, उसके बाद क्वार्ट्स, इस मैच में बहुत से गेंदबाजी में और बहुत से बल्लेबाजी है जो इंग्लैंड ने जिस पूरी श्रृंखला के दौरान इंग्लैंड का हर एक इंडिविजुअल बल्लेबाज जो अपने नाम के अनुरूप ख्याति है उसकी, उसने यहाँ परफॉर्मेंस किया, चाहे वो बल्लेबाज है चाहे वो गेंदबाज, उसने पूरे तरीके से अपने नाम को सार्थक किया। हम इस मैच में जिस तरीके से न्यूजीलैंड की तरफ से ये कहूँ कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने सब ने ही निराश किया है। अगर बैंडल और मिचेल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है न्यूजीलैंड की तरफ से जिसने थोड़े बहुत भी धैर्य की परीक्षा के साथ और धैर्य के साथ खेलने की सोची हो, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था, चाहे वो मैक्सवेल, कॉनवे और नहीं आपका मैथम, ये निकोलस को भी यूज़ किया गया, ये तो अच्छे ख्याति प्राप्त बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में बात की जाए तो बॉल को छोड़ दिया था साउथी और आपका जैमसन, ये गेंदबाजी को खास प्रभाव नहीं डाल पाए। मैच पे आते हैं, न्यूजीलैंड ने शुरुआत करी और यंग और लैथम की शुरुआत, लैथम की बिल्कुल शुरुआती बहुत जल्दी पहले जीरो पे आउट हो गए, उसके बाद यंग और केन विलियमसन ने इस मैच में वापसी करी। ये बड़ा गुड न्यूज रहा इंग्लैंड के लिए, केन विलियमसन ने इस मैच में वापसी करी क्योंकि 31 रन की पारी खेली, लेकिन इस मैच में ही पिछले दोनों मैचों की तरह लैथम और ब्लेंडन इन दोनों ने ही लाए, एक मिचेल ने सॉरी लैथम के अलावा मिचेल ने 9 रन, ब्लेंडन ने 55 रन की पारी खेली। बाकी कॉनवे हो गए, चाहे यंग में चाहे विलियमसन 30 प्लस का स्कोर किया, लोगों कुछ खास टेस्ट मैचेस के हिसाब से इनके नाम का रूप सबसे इतने बेहतर नहीं थे। गेंदबाजी में स्पिनर लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड ने गेंदबाजी का एक अपना जिम्मा संभाला और लीच ने 5 विकेट निकाले, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3 विकेट निकाले, एंडरसन इस मैच में नहीं थे, ओवरटन उसकी जगह खेल रहे हैं, 1 विकेट निकाले। तो पूरी तरीके से इंग्लैंड खेमे की तरफ ये मैच था। गेंदबाजी में लीच ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी में ये दो ही बल्लेबाज मिचेल और ब्लेंडन न्यूजीलैंड के लिए हर समय तारणहार बन रहे हैं और ये एक न्यूजीलैंड के लिए सोचने का विषय है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज नहीं खेलते हैं, ये दोनों बल्लेबाज अगर जल्दी आउट हो जाते हैं या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर न्यूजीलैंड की टीम किसके भरोसे मैच में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि विलियमसन अपने फॉर्म में नहीं है, लैथम अपने फॉर्म में नहीं है, कॉनवे का IPL टूर अच्छा था लेकिन उसको वो क्लिक नहीं कर पा रहा। और इंग्लैंड की तरफ से जब वो अपनी सेकेंड इनिंग खेल फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड खेलने आई तो एक रोमन सफेद लीज और क्रावली की जो पार्टनरशिप है इस मैच में कोई खास नहीं कर पाई, 6 से व्यक्तिगत स्कोर पर दोनों ही टीमें चली गई, रूट 5 रन पर, लेकिन ब्रैडशॉ ने एक रन संभाला और पिछले मैच में ब्रैडशॉ ने तो सूझबूझ और एक शानदार पारी से जो मैच जीता था उसकी झलक यहाँ देखने को मिली हमें। ब्रैडशॉ ने जिस तरीके से पिछला मैच अपने बल पे जिताया वो झलक यहाँ देखने को मिली, वो कॉन्फिडेंस एक बल्लेबाज का आता है जब आप बढ़िया और एक हाई वोल्टेज वाला मैच जब आप खेलते हो ना उसमें से अपनी टीम को निकाल के ले जाते हो। पिछला मैच बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी इंग्लैंड के लिए, लेकिन उसमें खड़े रहे ब्रैडशॉ और फिनिश किया मैच को, इंग्लैंड को अपनी टीम को जीत दिलाई और यही जो उनका यही परफॉर्मेंस इस मैच में उनके साथ आया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, वो इजिली गेंदों को खेल पा रहे थे, अच्छी तरीके से गेंदबाज को वैल्यू कर पा रहे थे, वैल्यू ऑफ पेस कर पा रहे थे, इसका फ़ायदा उन्हें मिला। 162 का स्कोर किया और ओवरटन जो आप एंडरसन की जगह खेल रहे हैं 97 का स्कोर किया है और एक बेहतरीन स्कोर किया जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड का 47 रन, तो जो एक पार्टनरशिप चाहिए थी ब्रैडशॉ को वो इन दोनों बल्लेबाजों के साथ ही शुरू के
चार बल्लेबाज रूट पॉप लीच और क्राउली आई थिंक दे आर नॉट डबल डिजिट दे ऑल द फोर आर अन सिंगल डिजिट ओपनर आर सिक्स सिक्स एंड उसके बाद पॉप और पाँच पाँच रन के रखते हुए स्कोर पे आउट हो गए और ये जो कुछ ना यहाँ पर सिचुएशन इतनी टफ हो गई थी लेकिन ब्रैडशॉ ओवरटन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने मिलकर पारी को संभाला तो बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पारी को संभाला बहुत शानदार तरीके से पारी संभाला और उसके और इसमें ट्रेंट बोल्ट चार विकेट साउदी ने तीन विकेट निकाली एक विकेट आपको ब्रैसवेल को मिली है और दो विकेट बैंगर बैंगर की बात मैंने पिछले टेस्ट मैच में आपको सीखी थी कि अच्छे गेंदबाज और पार्ट को इनको अगर टीम खिलाती है जेमसन को ड्रॉप करके यहाँ बैंगर को खिलाएगा आई थिंक दैट्स द नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन आई थिंक बैंगर और आपका जेमसन दोनों को इस मैच में बने रहना चाहिए क्योंकि चार पाँच बॉलरों के साथ आप न्यूजीलैंड के पिचेस में जा सकते हो वहाँ इस बॉलरों में बहुत कुछ होता और अमूमन ऐसा नहीं है कि दिन की वक्त या मिडिल ऑफ द आफ्टर टी मैच पूरी मैच की सिचुएशन के दौरान फास्ट बॉलरों के क्योंकि मौसम कभी भी बदलता है वहाँ पर पिच में उतनी सपोर्ट नमी रहती है कि एक अच्छा तेज गेंदबाज थोड़ी सी अपनी स्किल का प्रयोग करके किसी भी वक्त विकेट निकाल सकता है एक अच्छी गेंद डिलीवर कर सकता है तो आई थिंक यहाँ न्यूजीलैंड टीम जो एक गणित में थोड़ा सा फील होगी जेमिसन को निकाल के गलती की है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उसके बाद जब न्यूजीलैंड टीम अपनी सेकेंड इनिंग तो यहाँ लेते हैं 76 रन की पारी खेली यंग यहाँ भी फ्लॉप रहे लेकिन केन विलियमसन जो 31 रन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में किया था यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े 45 का स्कोर किया और उसके बाद इस सेकेंड इनिंग में अरे हर एक मैच में मैंने तीनों ही मैचों में इन दो ही बल्लेबाजों को देखा जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी की है ओवरऑल परफॉर्मेंस किया है मिचेल और ब्लेंडर इस मैच में मिचेल 50 प्लस 56 और 88 के आसपास ब्लेंडर ने स्कोर किया ये दो ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो न्यूजीलैंड को अभी तक अगर ये बेहतर सिचुएशन है या ये खराब सिचुएशन रही है न्यूजीलैंड की तो यहाँ तक भी पहुँचाने का जो श्रेय है जो यहाँ तक भी टीम नहीं पहुँचती और ये दोनों बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी ना करते तो अतः इन दोनों बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस को अगर निकाल दिया जाए तो न्यूजीलैंड टीम इस समय सबसे अपने घटिया दौर से गुजर रही है इन दोनों बल्लेबाजों ने जो थोड़ी बहुत कसर जो थोड़ी बहुत साख न्यूजीलैंड की बची है वी कैन से दैट थोड़ी बहुत इज्जत वो इन दोनों ही बल्लेबाज को और तीसरा ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हर मैच में बैटिंग बॉलिंग अटैक किया इस सेकेंड इनिंग में दोनों बल्लेबाजों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और इसमें आपके गेंदबाजी के बारे में और न्यूजीलैंड की इंग्लैंड की तरफ से बताऊँ तो लीच पहले मैच में पांच पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में भी पांच बॉट को तीन विकेट मिली स्टुअर्ट ब्रॉड थोड़ा सा विकेट लेस है लेकिन जो गेंदबाजी की लीच में जो कमान संभाली थी वो दिखा वो परफॉर्मेंस दिख रहा है कॉन्फिडेंट दिखता है एक बॉलर एक खिलाड़ी में बॉलर नहीं कहूँगा खिलाड़ी में कॉन्फिडेंट दिखता है कि जब आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है ना आपका हार्ड वर्क अप्रिशिएट की जाती है तो वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आता है फिर आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से डिलीवर करते हो फर्स्ट इनिंग 5 विकेट वो जो उनकी मेहनत वहाँ उन्हें दिखी उन्हें बेनिफिट मिला उन्हें और उसका फल मिला 5 विकेटों के रूप में और सेकेंड इनिंग में भी 5 विकेट निकाले उन्होंने वो कॉन्फिडेंट जब बिल्डअप होता तो फिर उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक पाता और ऐसी लीच की गेंदबाजी रही टारगेट 297 का इंग्लैंड को मिला और इंग्लैंड के लिए ये एक आई थिंक इंग्लैंड के लिए ज़्यादा आसान काम नहीं था क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी स्पेशली बॉल जो शुरुआती विकेट निकाल रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने लीच की विकेट जो रन आउट हुए उसके बाद ब्रैसवेल ने क्राउली 25 रन की विकेट निकाली लेकिन यहाँ ओलिव पॉप एक बेहतरीन बल्लेबाज है एक बेहतरीन खिलाड़ी है हमें सेकेंड मैच में भी उन्होंने शतक किया था इस मैच में भी सेकेंड इनिंग में 88 और ब्रैडशॉ जिन्होंने इस मैच में भी 71 पहली इनिंग में 160 उसमें 71 नॉट आउट रूट की इसमें बल्लेबाजी 86 ये तीन बल्लेबाज जो पॉप और रूट जो फर्स्ट इनिंग में डबल डिजिट पर भी नहीं पहुंच पाते सेकेंड इनिंग में उन्होंने अपना बेहतर किया बहुत बेहतर एक एंड से आपका ब्रैडशॉ गेंदबाजी अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के लिए कुछ खास उस तवज्जो की गेंदबाजी नहीं रही बॉल साउदी ब्रैडशॉ इनको विकेट तो नहीं मिली टोटल 3 विकेट गिरी लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए
ये चीज थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है कि जिस तरीके से अभी नए इंडिया का दौरा भी होने वाला है, तो गेंदबाजी में अगर बॉल, क्योंकि बाकी गेंदबाजी साउदी के अपने उस फेवरेट चांप में नहीं दिख रहे, जेमिसन जो इनकी मेन बॉलर है वो नहीं क्लिक कर पा रहे, बैंग तो कुछ ना कुछ अजहर पटेल को उन्होंने खिलाया नहीं, तो कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक में वो कमी आ चुकी है। बल्लेबाजी में बात करें तो विचार और ब्लेंडर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पा रहा, और ये न्यूजीलैंड के लिए खासी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम तो बहुत बेहतर खिलाड़ी है, उसमें लगातार एवरी टाइम स्कोर सो मैनी डबल सेंचुरी ही स्कोर, उसके बाद निकोलस एक्सेवियर, केन विलियम्स का बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा है, तो ये सब चीज़ें जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ टीम तरफ घट गई हैं कहीं ना कहीं वो दिक्कत देने वाली है। तो मेरा विश्लेषण दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके कमेंट सकते हैं, सोशल मीडिया साइट पर भी आ सकते हैं, कुछ नहीं सुरक्षित रहे अपने और थैंक यू सो मच।